السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرون بالحسنة السيئة أولئك لهم أقبى الدار وطرم زرات يسور كي كريمة जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चार काम करने वालों को जन्नत की बशारत सुनाई यानी जो लोग ये चार अमल अंजाम दें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी और उन्हें आखरत का घर जन्नत नसीब होने वाली वो चार काम बहुत ही अहम काम है सबसे पहला काम अल्लाह आलमीन ने फरमाया वदीन सबरुब तेगा रब और जो लोग अपने रब को खुश करने के लिए जो लोग सब्र करते बर्दाश्त करते हैं फराइज के अदायगी के टाइम मुहर्रमात से बचने के टाइम या जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तकदीर के फैसले की वजह से कोई मुश्किल कोई मुसीबत उनके ऊपर नाजिल होती है या कोई इंसान उन्हें तकलीफ पहुंचाता है तो वो अपने रब को खुश करने के लिए सब्र की राह अपनाते वलिन सबर रुबते पहली खूबी है एक रास्ता है लड़ाई का गुस्से का मारपीट का और एक रास्ता है सब्र का तहमुल का बर्दाश्त का हिल्म का तो जो लोग सब्र की राह अपनाते हैं और ये सब्र की राह रब को खुश करने के लिए बनाते हैं पहली खूबी वह अकाम दूसरी खूबी और जो लोग नमाज कायम करते हैं एक जिंदगी है जो आजाद है सुबह उठने का टाइम अपनी मन मर्जी का है और रात को सोने का टाइम भी अपनी मर्जी का है दिन के अवकात में काम भी उनकी मर्जी का होता है और एक जिंदगी है जिसमें पांच नमाजों को उनके अवकात में पाबंदी के साथ अदा करना है तो जिनकी जिंदगी नमाज के अवकात के साथ बधी हुई है वो आजाद नहीं है बल्कि पांच नमाजें उनके अवकात में पूरे खुशु और खुजू के साथ अदा करना है ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल रब्लम की जन्नत के हकदार तो दूसरी खूबी है वह अकाम नमाज को कायम करने वाले हो नमाज को पूरे आदाब और शराइत के साथ उनके अवकात में अदा करने वाले लोग अल्लाह रबुलामी की जन्नत के हकदार है तीसरी खूबी व अन फको मजक ना हूं सिर और वो लोग जिन्होंने माल खर्च किया है अल्लाह रबीन की राह में छुपे तौर पर भी और खुले तौर पर भी यानी जहां जैसी जरूरत है और हालात जैसे भी हों वो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते रहते हैं फी सभी की उनको आदत पड़ चुकी वो हमेशा खुशी में गम में खुले तौर पर छुपे तौर पर कम ज्यादा लेकिन वो अल्लाह रबीन की राह में अपना माल जरूर खर्च करते रहते हैं ये तीसरी खूबी है कोया इनफाक फ़ी सभी अल्लाह की राह में अपना माल हमेशा खर्च करते रहना यह इंसान को जन्नती बना देता है इंसान का नमाज अदा करना नमाज को कायम करना इंसान को जन्नती बना देता अल्लाह आलमीन के लिए सब्र करना यह इंसान को जन्नती बनाने वाला अमल है और चौथा काम है वे दराउन बिल हसन और यह लोग बुराई का जवाब भलाई से देते हैं बुराई को भलाई से दफा करते हैं अगर इन्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो सब्र करते हैं अगर इन्हें कोई बुरा भला बोले तो अच्छे कलिमात के जरिए उसका जवाब देते हैं अगर इनके साथ कोई गाली गुलूच करे तो ये कलिमत तय्यबा के जरिए जवाब देते हैं गाली गुलूच के जरिए जवाब नहीं देते वह दराउन अबिलहसन सै बुराई का जवाब भलाई से देते हैं बुराई को भलाई से दफा करते उला इकहम उकबदार यही वो लोग हैं जिन्हें उकबा में जिन्हें आखरत में अल्लाह रबीन घर अता फरमाने वाला है यानी जन्नत अता फरमाने वाला है, यानी चार काम करने वाले अल्लाह की जन्नत के हकदार हैं। वो लोग जो अल्लाह के लिए सब्र करने वाले वो लोग जो हमेशा नमाज कायम करने वाले हों और वो लोग जो हमेशा जाहरी तौर पर भी छुपे तौर पर भी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं और वो लोग भी जो बुराई का जवाब भलाई से देते जो सया को हसना के जरिए दफा करते हैं जो लड़ाई का जवाब लड़ाई से नहीं देते गाली गुलूच का जवाब गाली गुलूच से नहीं देते बल्कि वो अच्छे अंदाज में नेक तरीके से भले तरीके से बुराइयों को दफा करते ऐसे चार अमल करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के हकदार हैं लिहाजा हम सबको चाहिए कि अगर हमें जन्नत मतलूब है तो अपने अंदर ये चार खूबियाँ ज़रूर पैदा करें सब्र करें नमाज़ कायम करने वाला बने और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने और हमेशा बुराई का जवाब भलाई से दिया करें अल्लाह रबालमीन हमारे अंदर ये चारों ख़ूबियाँ पैदा फरमाए और हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमाए असल वरह